यहाँ पे लिखेंगे क्या, होम बाइंड, ठीक है, होम बाइंड लिखेंगे। और इसके अंदर हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि जो हमारा ये लेआउट, जो हमारा ये होम पेज मॉडल है, इसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर देंगे, ठीक है, होम पेज मॉडल। कंट्रोल स्पेस प्रिंट एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये बोलेगा इसको इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है, इसको इंपोर्ट किया। अब इंपोर्ट करने के बाद से जो यहाँ पे टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको हटा देंगे, लिखेंगे एट द रेट होम बाइंड डॉट, और यहाँ पे आएगा फ्रूट नेम, ठीक है, यहाँ पे आ गया फ्रूट नेम। ओके, देखो एक लाइन के कोड में सारा काम हमारा हो गया, हमें वहाँ पे करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, होम बाइंड डॉट, और यहाँ पे गुड्स, गुड्स काउंट, ठीक है, गुड्स काउंट। और ये इमेज के लिए हमें बनाना पड़ेगा जेनेरिक फंक्शन, ठीक है। वो फंक्शन क्या करेगा ना कि हमारा जो भी इमेजेस हैं, जितने भी इमेजेस, उसको बाइंड कराने का काम करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूटिल्स नाम का पैकेज क्रिएट करेंगे, फोल्डर एक्चुअली। और जब भी आप डेटा बाइंडिंग करो, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मैंने सारे जो फोल्डर्स हैं उसके नाम हमेशा स्मॉल में दिए हैं, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है, क्योंकि जब डेटा बाइंडिंग आप करते हो ना, तो केवल आप क्लास के नाम को कैपिटल में रख सकते हो, नहीं तो अगर उसके अलावा अगर किसी चीज़ का नाम मतलब ऊपर नीचे खींचा तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। यहाँ पे यूटिल्स में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे फाइल में बनाऊँगा, फाइल्स में मैं यूटिल्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा एक फाइल बन के रेडी हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसका मैं क्या करूँगा ना कि इसके अंदर मैं जो इमेज व्यू है उसको लेके एक जेनेरिक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, फन इमेज व्यू, ठीक है, इमेज व्यू डॉट बाइंड। और इसके अंदर क्या लेंगे हम, यूजर से इमेज का लिंक लेंगे, ठीक है, इमेज का लिंक लेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि आई एम जी URL, और हम यहाँ पे स्ट्रिंग में लेंगे, ठीक है। ये करने के बाद से अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पिकासो की लाइब्रेरी हम उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पिकासो की लाइब्रेरी उठाएंगे, ये लाइब्रेरी है इसकी, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे उठाएंगे। ये लाइब्रेरी जो है बहुत सही है इमेज को शो कराने के लिए, ठीक है। तो इसको अपने ग्रेडल में हम ऐड कर लेंगे इसको यहाँ पे, ठीक है, यूज़र वाले ग्रेडल में, यूज़र मॉड्यूल, यहाँ पे आके हम इसको ऐड कर देंगे और इसको सिंक कर लेंगे। और कुछ ऐड करने के लिए तो नहीं बोल रहा है, नहीं, ठीक है। ये क्या करता है कि जो भी हमारे इमेजेस होते हैं ना, इसको बहुत ही सही तरीके से लोड कराता है, मतलब कि असिंक अवेट का ये यूज़ करता है। और जितने भी इमेजेस होते हैं, तो जो भी हमारे इमेजेस ज़्यादा टाइम ले रहे होते हैं, जिसके वजह से रिसाइकलर व्यू शो होने में टाइम लगता है, उसको क्या करता है, ये होल्ड कर देता है। होल्ड करने से क्या मतलब है कि उसको लोड तो कर रहा होता है, लेकिन बाकी जो भी कंटेंट हमारे लोड हो गए होते हैं ना, उसको यहाँ पे शो होने देता है, ठीक है। तो ये बहुत फ़ायदे हैं इसके। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पिकासो का यूज़ करेंगे, पिकासो डॉट गेट डॉट लोड। अब इसके अंदर जाएगा इमेज URL, ठीक है, डॉट इनटू, ठीक है, और किसके अंदर जाएगा तो ये इमेज व्यू के अंदर ये जाएगा। इसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे दिस पास कर देंगे। तो दिस पास किया तो ये क्या हुआ कि इसका रेफरेंस ये इमेज व्यू का ले लेगा। अब ये इमेज व्यू कहाँ से आएगा,
ये इमेज व्यू, तो क्योंकि ये जेनरिक क्लास है, ठीक है, सॉरी एक्सटेंशन फंक्शन है, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है, जो हमारा लेआउट है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो जो क्लास है वो कॉल नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो क्यों नहीं कॉल हो पा रहा है, तो उसके लिए हम डेटा बाइंडिंग में कुछ एनोटेशंस आते हैं, एट द रेट, बाइंडिंग एडाप्टर, और इसके अंदर हम क्या करते हैं ना कि अपना जो भी नाम होता है जिसके जिसका यूज़ करके हम जो डेटा है उसको बाइंड कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ ये है कि ये कह रहा है कि कॉटलिन कैप्ट जो है हमारे ग्रेडल में होना चाहिए, ठीक है, तो इतने को हम क्या करते हैं यहाँ से कॉपी करते हैं, ओके, कॉपी करने के बाद से हम क्या करेंगे कि इसको अपने प्रोजेक्ट में ऊपर जाएंगे, यहाँ पे इसको हम यहाँ से कंट्रोल डी करेंगे और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे इसको सिंक। ठीक है, इतना करने के बाद से अब देखो आप जो एरर है वो चला गया है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको इसके डेटा बाइंडिंग के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं इस पे वीडियोस आपको बना दूंगा आपके लिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि लिखूंगा बाइंड इमेज, ठीक है, अब ये बाइंड इमेज जैसे ही मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे आऊँगा ना तो यहाँ पे देखना मैं लिखूंगा बाइंड इमेज, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बाइंड इमेज है ये ऑटोमेटिक मुझे मिल गया, ठीक है, तो ये सारा का सारा खेल जो है डेटा बाइंडिंग का है, आपको इसमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगेन क्या करूँगा एट द रेट और यहाँ पे डेटा बाइंडिंग कर दूंगा। अब इससे फ़ायदा ये होगा ना वो जेनरिक फंक्शन बनाने से कि मुझे अब डेटा बाइंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, देख सकते हो आप कि यहाँ पे डेटा बाइंडिंग किया कितने आसानी से हमारा जो डेटा है वो बाइंड हो गया है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे केवल मुझे इमेज का यूआरएल पास करना होगा, ये ऑटोमेटिक इस पर जो है डेटा सेट हो जाएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर क्या लिखूँगा होम बाइंड डॉट फ्रूट इमेज, ठीक है, यहाँ पे फ्रूट इमेज, तो ये देख सकते हो आप कि हमारा जो डेटा बाइंडिंग हो गया है। अब इसके बाद से बहुत इम्पोर्टेंट है, आप पूरा देखो वीडियो को, ठीक है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो, ओके, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कहीं भी सीखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है, मेरे चैनल पे ही इस टाइप के बाकी जितने भी आपको कंटेंट मिलेंगे वो सब के सब पेड होंगे, तो अभी चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लो और इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉल करेंगे होम पेज आइटम बाइंडिंग को कॉल करेंगे, ठीक है, हमने क्या बोला था कि इसको हम एक्सटेंड करा देंगे इस क्लास से, ठीक है, यहाँ पे अब इसके अंदर इसको क्या चाहिए, व्यू चाहिए, व्यू हमारे पास है तो हम इसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, तो बाइंडिंग, अब देखो यहाँ पे ये एरर दे रहा है क्योंकि ये व्यू है फिर भी ये एरर दे रहा है, यहाँ पे जाओगे तो ये क्या बोलेगा, यहाँ पे बाइंडिंग दे रहे हो आप लेकिन व्यू नहीं दे रहे हो, तो व्यू लेने के लिए इसका व्यू लेने के लिए इस लेआउट का डॉट रूट लिखेंगे यहाँ पे, तो रूट लिखेंगे एरर हमारी चली जाएगी, ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे फन बाइंड, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे आइटम, और उसके बाद से अब हमें जो मॉडल है हमारा इसको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे होम पेज मॉडल, ठीक है, तो ये देखो कहाँ से आ रहा है, ये जी ऐप मॉडल से हमारा ग्लोबल मॉडल था उसके अंदर से ये आ रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि अब जो हमारा जो लेआउट है उस पर डेटा को हमको पास करना पड़ेगा, ठीक है, तो पास करने के लिए हमको सिंपल से इतना करना है, देखो एक लाइन के कोड में हमारा काम हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं, ये सब छोड़ दो, यहाँ पे हमको क्या करना है होम बाइंडिंग इक्वल टू यहाँ पे आइटम केवल आपको पास कर देना, ये देखो हमारी हो गई डेटा सेट, उस पर कितने कम लाइन के कोड में हमारा काम हो गया,
ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा कि ऐसे कंटेंट आपको और इंटरनेट पे देखने को नहीं मिलेंगे, मिलेंगे भी सारे के सारे पेड हैं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मेरी हेल्प करो ताकि मैं आपकी हेल्प करूं, आपको ग्रो करा पाऊं, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करो और लोगों से सब्सक्राइब भी करवाओ, क्योंकि देखो फंडिंग नहीं होगी, चीज़ें नहीं होंगी, रिसोर्सेस नहीं होंगे मेरे पास, तो मैं भी आप लोग की हेल्प नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि तब मेरा फोकस उधर जाएगा। और मैं पूरी कोशिश कर रहा कि मैं फुल टाइम यूट्यूब पर आ जाऊँ, ठीक है। तो इस बारे में आपका क्या राय है वो भी मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि एक बार मैं यूट्यूब पर फुल टाइम आ गया, ठीक है, तो आप लोग को लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। डेवलपमेंट से रिलेटेड मैं आप लोग के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आऊँगा, ऐसे ऐसे कंटेंट लेके आऊँगा कि मतलब एकदम माइंड ब्लोइंग होंगे, ठीक है। जो आप सोचोगे कि अरे यही तो मैं ढूंढ रहा था, है ना, वो सारे कंटेंट मैं आपको ला के यहाँ पर रख दूंगा। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, और वीडियो को लाइक करना है बस, ठीक है। तो वो आप करते रहो, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको तो तूफान बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे डिफ्यूटिल बनाना है। डिफ्यूटिल क्या करता है अगर आपने आपको नहीं पता, तो मैं आपको बेसिक यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। ये डिफ्यूटिल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। ये हमारा क्या करता है ना कि जो भी हमारे रिपीटेटिव आइटम्स होते हैं रिसाइकलर व्यू के अंदर, ठीक है, उसको ये क्या काम करता है, उसको हटा देता है, उसको रेंडर ही नहीं कराता है उस पर, ठीक है। तो बहुत इफ़ेक्टिव है, इसके बारे में अगर और आपको पढ़ना हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि जो भी रिपीटेटिव आइटम, जैसे मान लो कि मेरा नाम अविनाश है, ठीक है, अब अविनाश 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 से 10 आ रहे हैं, और आपको क्या सेम ही आइटम है वो, आपको भी पता है, ठीक है। तो अब आप उसको कैसे, आप कंडीशन लगा के वहाँ पे रिड्यूस करोगे, लेकिन ये काम डिफ्यूटिल आपके लिए अपने आप ही कर देता है, वो आपको कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, जी एप डिफ्यूटिल, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूँगा डिफ यूटिल, ठीक है, ये वाला क्लास है डिफ यूटिल डॉट आइटम कॉल बैक। इसके अंदर अब हमें हमारा मॉडल पास करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो मॉडल के लिए क्या, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा जी एप मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे अब इसके अंदर जो भी इम्प्लीमेंटेशन ये बोल रहा है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें कंपेयर करना है वैल्यू को। मैंने क्या बोला कि मान लो कि मेरे चैनल का नाम तकनीकी निग्गा है, ठीक है, और मुझे 10 डेटा मिल रहे हैं इस नाम से, ठीक है, तकनीकी निग्गा तकनीकी निग्गा तकनीकी निग्गा, और दसों में आपको क्या पता है कि दसों में डेटा जो है सेम टू सेम है, लेकिन वो हमें शो नहीं कराने हैं, तो हम उसके लिए कंडीशन नहीं लगाएंगे। इसीलिए हम लिस्ट अडाप्टर यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम क्या करें कि और अपने रिसाइकलर व्यू को जो है और इम्प्रूव कर पाएँ, ठीक है। तो हमें क्या कंपेयर करना है, तो कंपेयर क्या करना है, तो कंपेयर करने के लिए ये देखो, आपको यहाँ पे दो फंक्शन मिलते हैं, आप आर आइटम द सेम, आर कंटेंट द सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी आइटम है उसको हम देख लेंगे, तो यहाँ पर रिटर्न करा देंगे, रिटर्न ओल्ड आइटम इक्वस टू न्यू आइटम, ठीक है। तो ये चीज़ होगा, तो ये अगर आइटम सेम होंगे, मतलब कि अगर ये कार्ड सेम टू सेम होगा, ठीक है, तो उसको ये रेंडर नहीं कराएगा। अब यहाँ पे मेन चीज़ हमारा ये होता है, आर कंटेंट द सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वेल ओल्ड आइटम, ठीक है, ओल्ड आइटम इक्वस टू ओल्ड आइटम एज होम मॉडल, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, डॉट तो फ्रूट नेम, ठीक है, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, न्यू आइटम के लिए भी न्यू आइटम्स, अब आइटम्स कर दो, क्योंकि ये जो है जो ये ओल्ड आइटम ये क्लैश करेगा यहाँ पे, हो सकता है, तो हम क्या करेंगे इसको चेंज कर देंगे। और यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे कि न्यू आइटम एज जी एप मॉडल डॉट, और इसके लिए हम क्या करेंगे कि डॉट फ्रूट नेम, ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न क्या कराएंगे, रिटर्न कराएंगे, रिटर्न ओल्ड आइटम्स इक्वस टू न्यू आइटम्स, ये आपको रिटर्न करा देना है यहाँ पे, ठीक
ठीक है, तो ये क्या करेगा ना कि ऑटोमेटिक इसको कंपेयर कर देगा। और अगर आपके पास मल्टीपल आइटम कंपेयर कराने के लिए, तो यहाँ पे और लगा लगा के आप जितने चाहे आइटम्स ऐसे कंपेयर करा सकते हैं। ऐसे कॉपी करिए, यहाँ पे ला कर पेस्ट कर दी, तो ये सबको कंपेयर करता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इस डिफ यूट्यूल को हमें यहाँ पे पास करना है। ठीक है, तो डिफ यूट्यूल को पास करने के लिए सिंपल से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे जी एप डिफ यूट्यूल, यहाँ पे हमने पास किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिस्ट एडाप्टर के अंदर जी एप मॉडल हमने पास किया, यहाँ पे व्यू होल्डर पास किया, और यहाँ पे डिफ यूट्यूल पास किया। अब इसके बाद से इसके अंदर जो मेथड होंगे इसको हमको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, लेकिन गेट आइटम काउंट नहीं मिला हमें। ठीक है, ये क्या होता है कि ये जो लिस्ट अडाप्टर है ये ऑटोमेटिक काउंट को मैनेज करता है, जितने भी काउंट्स होते हैं। तो इसके लिए हमें अलग से कोई भी चीज़ प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्योंकि हमारे पास क्या है, मल्टीपल व्यूज़ हैं, अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या है, मल्टीपल व्यूज़ हैं। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो मल्टीपल व्यूज़ हैं, एक ये व्यू है, ये भी व्यू है, ये भी व्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिसाइकलर व्यू है इसके अंदर व्यू टाइप का ऑप्शन आता है, गेट आइटम व्यू टाइप। ठीक है, ये जो मेथड है ये क्या काम करता है कि जितने भी व्यूज़ होते हैं, पहले आप क्या करते थे, अगर आपने नेस्टेड रिसाइकलर व्यू पे काम किया होगा तो आप क्या करते थे कि आप सबके लिए एक एक व्यू टाइप डिफाइन करते थे, कि ये व्यू टाइप दूंगा तो ये वाला व्यू सेट करना, ये व्यू टाइप दूंगा तो ये वाला सेट करना। ठीक है, तो वैसे करते थे आप, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उससे भी अब हम क्या करेंगे, क्लास के हिसाब से जो भी जितने भी हमारे क्लास होंगे ना, वो क्लास के ऊपर ये डिफ्रेंशिएट कर लेगा, ये डिफ्रेंशिएट कर लेगा कि कौन सा क्लास है और कौन सा व्यू हमें सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे सिंपल से, इसीलिए मैंने शील्ड क्लास वहाँ पे बनाया। अब उसका फ़ायदा देखो यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, गेट आइटम। ठीक है, और यहाँ पे ये मांग रहा है हमसे पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने डाले यहाँ पे ये एरर थ्रो करेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑल्ट इंटर प्रेस करूँगा ना, तो यहाँ पे एड रिमेनिंग ब्रांच का ऑप्शन आएगा। ये देखो इज जी एप मॉडल डॉट होम व्यू। अब देखो जब भी आप क्या करोगे इस रिसाइकलर व्यू पे इस मॉडल से डेटा सेट करोगे ना, तो ये कौन सा डेटा सेट करेगा, ये वाला कार्ड वहाँ पे शो करेगा। जब कभी भी आप क्या करोगे कि मॉडल पे डेटा सेट करोगे ना जी एप मॉडल पे, तो ये वाला डेटा जो है, मतलब ये वाला जो लेआउट है ये शो करेगा, है ना, एक्साइटिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, आर डॉट लेआउट डॉट, यहाँ पे हमें रिसोर्स को इम्पोर्ट करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे होम पेज व्यू होल्डर आइटम को यहाँ पे पास करके, बस इतना ही करना है आपको। यहाँ पे भी आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, वैन होल्डर। ठीक है, जैसे इसको लिखेंगे ना यहाँ पे ये एरर देने लग गया, इस पर ऑल्ट इंटर प्रेस करके और एड रिमेनिंग ब्रांच। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि देखो हमको यहाँ पे व्यू टाइप तो पता पड़ गया कि ये जो अगर होम पेज व्यू मॉडल है अगर हमें मिलता है तो हमें ये वाला लेआउट सेट करना है, लेकिन अब हमें डेटा भी तो चाहिए होगा। ठीक है, तो डेटा कहाँ से मिलेगा, तो हमें व्यू होल्डर से डेटा मिलेगा। ठीक है, तो कैसे कैसे मिलेगा, मतलब कि हमें इसका डेटा जो है इस पर सेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल से लिखेंगे यहाँ पे होल्डर डॉट बाइंड, और क्या बाइंड करना है हमें, तो हम क्या करें यहाँ पे सिंपल सीख लेंगे गेट आइटम, और यहाँ पे पोजीशन पास करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा एरर जो है नहीं गया। ठीक है, इसलिए नहीं गया क्योंकि देखो यहाँ पे जी एप मॉडल है, जी एप मॉडल मतलब कि हम इसको इस शील्ड क्लास का रेफरेंस दे रहे हैं, ना कि इस होम पेज मॉडल का। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल से काम करेंगे, ये यहाँ पे लिखेंगे कि इसको एज जी एप मॉडल ये। ठीक है, तो अब जैसे ही आप उस पर सेट करोगे ना, तो ये क्या करेगा, इस डेटा को उठा के इस पर पास करेगा, और ये डेटा आके कहाँ पे सेट होगा, यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद से अब यहाँ पे व्यू क्रिएट करने की बात है। ठीक है, तो व्यू क्रिएट करने की बात है, तो यहाँ पे हमारे पास व्यू टाइप मिलता है, जैसे कि ये जो व्यू है, अब जो टाइप हमें मिल गया और डेटा मिल गया, तो ये किस व्यू पे सेट कराना है, इस व्यू पे सेट कराना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कराएंगे, क्या व्यू टाइप रिटर्न कराएंगे। ठीक है, रिटर्न कराने के बाद से अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
सॉरी यहाँ पे वैन होगा, तो यहाँ पे ऑल्ट इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे डायरेक्ट एल्स ब्रांच ऐड करने के लिए कह रहा है, ठीक है, एल्स ब्रांच ऐड करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे क्या दिक्कत करी है हमने, ठीक है, डायरेक्ट एल्स, तो क्योंकि इसको नहीं मिल रहा है व्यू टाइप, तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे एल्स, तो यहाँ पे जैसे ही वैन लिखा तो आप देख सकते हो डायरेक्ट एल्स ऐड करने के लिए कह रहे हैं, तो एल्स में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको थ्रो करा देंगे, थ्रो क्या कराएंगे, इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन, ठीक है, तो इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन देंगे इसको, और इसमें क्या देंगे, इनवैलिड व्यू टाइप फ्रॉम ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऐसे मैं ये पहचानने के लिए अपने रखता हूँ ताकि मुझे पता तो पड़े कि कहाँ से एरर आ रहा है, कि मतलब कि ऑन बाइंड से आ रहा है कि गेट आइटम व्यू टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे दिया, अब रिटर्न क्या कराना है हमें, ये व्यूज़ को रिटर्न कराने हैं, ठीक है, थीके? तो व्यूज़ कहाँ पे हैं, मतलब व्यू टाइप हमें रिटर्न कराना है, तो ये रिटर्न कहाँ से होगा, ये होम पेज व्यू होल्डर से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आर डॉट लेआउट डॉट, अब ये इस पे हमें क्या करना है कि जो हमारा ये होम पेज व्यू होल्डर है इसको हमें यहाँ पे बाइंड कराना है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि होम पेज बी एच। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि जो जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं हमें लेआउट को इन्फ्लेट कराना होगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपल से यूज़ करेंगे लेआउट इन्फ्लेटर का, तो ये लेआउट इन्फ्लेटर हमारे इसके साथ मिल जाएगा होम पेज व्यू होल्डर आइटम, तो इसके साथ मिल गया, तो अब यहाँ पे हमें मिलेगा लेआउट इन्फ्लेटर व्यू, इसके अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना होगा, तो कॉन्टेक्स्ट हमें इसके पेरेंट्स, ये व्यू ग्रुप है इसके पेरेंट्स यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम कि पेरेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फिर से पेरेंट पास करेंगे और यहाँ पे फॉल्स को पास करेंगे, तो ये देख सकते हो कि अभी हमारा जो जेनरिक व्यू है, ठीक है, ये क्रिएट होके यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे कि ये हमारा हमने क्रिएट कर लिया जी डिफ्यूटिल क्रिएट कर लिया, एडाप्टर क्रिएट कर लिया, हमने डेटा को बाइंड भी करा लिया यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट 90% हमारा काम जो है यहाँ पे हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ डमी डेटा सेट करके और रन करके ऐप को दिखाता हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ें हमारा। अब इसके बाद से हम चलते हैं अपने होम पेज पे, तो हम होम पेज पे ही काम कर रहे थे, ये जितने भी बॉयलर प्लेट कोड्स हैं इसको हम क्या करते हैं यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, ये सब कुछ हम हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ये रिसोर्स को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये करने के बाद से हम क्योंकि डेटा बाइंडिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो डेटा बाइंडिंग का यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऑल्ट इंटर प्रेस करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे डेटा बाइंडिंग, ठीक है। अब देखो डेटा बाइंडिंग में आप जितना डीप जाना चाहो आप जा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से हम क्या करेंगे लेट इन इट वेयर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे बाइंडिंग फ्रेगमेंट होम बाइंडिंग, ठीक है। अब ये बाइंडिंग को हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको उठा कट करके हम इसके अंदर डाल देते हैं, और ये डालने के बाद से सॉरी इसको नहीं कट करके डालना था, यहाँ पे इसको डाल दिया हमने। अब रिटर्न हमें क्या कराना है, व्यू को रिटर्न कराना है, इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे सबसे पहले तो, और उसके बाद से हम लिखेंगे यहाँ पे बाइंडिंग इक्वल्स टू, और इसके बाद से इस बाइंडिंग में रिटर्न करा देंगे हम इस बाइंडिंग के रूट को, बाइंडिंग डॉट रूट, ठीक है, तो ये यहाँ पे रिटर्न रहेगा। अब एक और मेथड होता है हमारे पास ऑन व्यू क्रिएटेड, ठीक है, इस मेथड में हम पूरा अपना खेल शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कमेंट लिखते हैं, हम क्या करेंगे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे रिसाइक्लर व्यू इनिशियलाइज करने का, ठीक है, तो यहाँ पे
यहाँ पे हमने क्या किया, इसको क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद से अब हमें क्या है, एक रिसाइकलर व्यू चाहिए होगा, तो रिसाइकलर व्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है, इसकी आईडी हम दे देते हैं यहाँ पे होम पेज आरसी, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा अडाप्टर का इंस्टेंस है वो क्रिएट कर देते हैं हम यहाँ पे, अडाप्टर इक्वल्स टू जी अडाप्टर, जी अडाप्टर, ठीक है। ये करने के बाद से हम क्या करेंगे यहाँ पे कि बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू, ठीक है, अब डॉट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये करने के बाद से अब हमारे पास यहाँ पे मिलेगा अडाप्टर, तो इसको लिखेंगे होम अडाप्टर, ठीक है, अडाप्टर, क्योंकि ये क्लैश करता है फिर, ठीक है। अब यहाँ पे लेआउट मैनेजर को हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, हमने बोला जैसा कि ग्रिड लेआउट मैनेजर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे ग्रिड लेआउट मैनेजर, और इसके बाद से यहाँ पे ये मांग रहा है कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट कॉमा। अब यहाँ पे ये मांग रहा है स्पैन काउंट, तो हमारा स्पैन काउंट 2 है, ठीक है, और 2 है, और ओरिएंटेशन मांग रहा है, तो ओरिएंटेशन के लिए हम ग्रिड लेआउट मैनेजर डॉट वर्टिकल ही चल रहा है हमारा, तो वर्टिकल हम दे देंगे, और इसको हम क्या करेंगे फॉल्स कर देंगे, ठीक है। ये करने के बाद से अब हमारा जो जो अडाप्टर है वो क्या हुआ, इस पे डेटा हमारा सेट हो गया, मतलब कि रिसाइकलर अडाप्टर सेट हो गया, उसका लेआउट मैनेजर हमने सेट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद से हमें जो है डेटा इस पे सेट करना होगा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे एक और फंक्शन बनाएंगे, और इससे पहले हम क्या करते हैं कि कुछ रॉ डेटा हम क्या करते हैं कि इसका जो होम पेज है इसका एक व्यू होल्डर क्रिएट करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पैकेज सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करेंगे होम व्यू मॉडल, एक्चुअली ठीक है। अब ये व्यू मॉडल के अंदर हम क्या करेंगे कि पेज, ठीक है, अब इसके अंदर व्यू मॉडल को हम ले आएंगे। अब ये करने के बाद से हम क्या करेंगे यहाँ पे कुछ डमी डेटा हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो वो डमी डेटा हम क्या करते हैं ना कि हम चाहते तो जेसन में भी डेटा बना सकते थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम डमी डेटा बनाएंगे, डमी डेटा हम चाहते हैं फ्यूचर में, हम क्या करेंगे कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर एपीआई इंटीग्रेशन भी देखना है हमें, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि कुछ डमी डेटा मैं बनाऊँगा, ठीक है। वो डमी डेटा क्या होगा ना कि जेसन एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होगा, ओके। और उस पर मैं क्या करूँगा कि जो भी डेटा है वहाँ से उठाऊँगा, रीड करूँगा, उसके बाद से यहाँ पे ला के सेट करेंगे, ओके। तो मैं जा रहा अभी उसको बनाने,